हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी कढ़ी बन रही है आलू की और इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी। मैंने जो उबले आलू रहते हैं उसी से बनाया है। मैंने मेथी, राई, जीरा, हींग से छौंक लगाकर आलू डाल दिए थे। आलू हल्का सा ऐसे चलाने के बाद मैंने जो मठा रहता है मठे में बेसन को मिलाकर और फेंट कर और उसके बाद पूरा मसाला उसमें मिक्स कर जो हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, ये सब मिर्च वगैरह ये सब डालकर और मैंने फिर उसमें ये मही को जो मठा रहता है वो डाल दिया। और ये देखिए हमारी आलू की कढ़ी बन चुकी है। ये देखिए खोल रही है। इस आलू की कढ़ी के साथ मैंने चावल, रोटी सब बना लिए हैं, लास्ट में मैंने बनाई है। तो ये देखिए हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं बना रही हूँ दोपहर की चाय। तो ये देखिए चाय हमारी पक रही है, यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ पर हो रहा है दूध हमारा, बाकी का दूध ये रखा हुआ है तो इसको बाद में हम गर्म कर लेंगे क्योंकि ये कल का दूध जो बचा हुआ था वो था, ये अभी का ताज़ा दूध है। और हमारे यहाँ जो दूध आता है वो गाय का दूध आता है। हमारे जो खेत है वहाँ पर हमारी गाय है, वहाँ पर उन लोग जो रहते हैं उनको कहते हैं बठियारे, तो उन लोग गाय का दूध लगा के और इधर पर भिजवा देते हैं। देखिए कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। मैंने अपने हाथों से बनाया है इसे। मैं छत पर आई हूँ तो मैंने कहा मैं कपड़े उठा लेती हूँ क्योंकि सूख गए थे मेरे सारे कपड़े। मैंने श्रेया की ड्रेस वेस धुल कर रखी हुई है तो मैंने डाल दी थी सुबह धो के, और अभी ये मैंने बोला उठा लेती हूँ मैं क्योंकि सारे कपड़े सूख गए थे, फिर कलर उतरने लगता है कपड़ों का। मैं उल्टे करके कपड़े डालती हूँ हमेशा क्योंकि सीधे कपड़ों पर जो कलर रहता है वो उड़ने लगता है धूप में, इसलिए मैं हमेशा उल्टे करके कपड़े डालती हूँ। मेरे पापा जी बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप छत पर आ गई थी। हमारे हम पापा जी के सामने ज़्यादा नहीं जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं चाय बनाने के बाद सब इधर आ गई हूँ तो रूम पर, तो मैंने बोला कि चलो तैयार हो जाते हैं। थोड़ा कुछ चेहरे पर अभी मैंने लगाया नहीं था बोरो प्लस के अलावा सुबह सुबह नहा के, तो मैंने बोला थोड़ा सा मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मैं ये ले रही हूँ ये बोरो प्लस। अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो चेहरे में बोरो प्लस लगा लेना चाहिए। मैं तो बोरो प्लस लगाती हूँ। वैसे बॉडी में एक लोशन रखा हुआ है बैसलीन का, तो बैसलीन का मैं लोशन बॉडी में लगा लेती हूँ। वो सुबह लगा लिया था मैंने और चेहरे में बोरो प्लस लगाती हूँ। ये मैंने फेयर लवली ली थी तो ये थोड़ी सी फेयर लवली लगा लेती हूँ।
ये सिंदूर लगा रही हूँ मैं। ये आउटलाइन है, आउटलाइन लगाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने आउटलाइन लगा लिया है। सिर्फ मैं आउटलाइन बस लगाऊंगी और कुछ नहीं, हल्का सा इसमें मैं बोरो प्लस लगा लूंगी। बोरो प्लस लगाने से लिप हैं जो सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने हाथ में बिंदी लगा ली थी, इसको मैं वापस लगा लेती हूँ। ये देखिए बस इतना ही मेकअप था। अब मैं कर लेती हूँ कंघी, यानी अपने बाल बना लेती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बस इतना ही, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, मुझसे इतना ख़ास तो बनता नहीं है पर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने चाय भी पी ली है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर, थोड़े से कपड़े और पड़े थे तो कपड़े उठाने हैं और फिर मैं आपसे थोड़ी देर से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ छत पर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारी जगह हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। शाम के टाइम मेरे यहाँ छत पर बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए श्रेया खड़ी हुई है। हमारे साइड देखिए पहाड़ है, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये देखिए सेमी लगी हुई है हमारे इधर। ये देखिए ये सेमी हुई है हमारे इधर। ये लगा हुआ है अनार का पेड़ लगा हुआ है और देखिए वाइट रोज़ है यहाँ पर, खिला हुआ है आज वाइट रोज़। ये देखिए रुई का पेड़ लगा हुआ है, ये रुई के फल हुए हैं, देखिए आप रुई के फल हैं। और ये पपीते का पेड़ है और ये देखिए, ये देखो कितनी अच्छी तुलसी माता लगी हुई है। तुलसी का पौधा है, ये पौधा बहुत ही बड़ा हो चुका है, हरा भरा कितना अच्छा लग रहा है। एक ये लगा है तुलसी का पौधा और ये अदरक लगे हुए हैं, ये देखिए अदरक का पेड़ है ये। और ये करेला की बेल है। मुझे पेड़ पौधे का बहुत शौक है तो मैं पेड़ पौधे लगाती रहती हूँ। और ये मैंने करेले के बीज डाल दिए थे तो ये देखिए करेले की जो बेल है, ये करेले लगे हुए हैं। ये देखिए ये करेले छोटे छोटे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए करेले, और वो देखिए आपको गेंदे के फूल दिख रहे होंगे, ये भी मैंने बीज डाला हुआ था। पपीते का पेड़ भी, उसका भी बीज ही डाला था मैंने।
तो ये सारे हो गए हैं। और वो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, आपको सामने बिल्कुल दिख रहा होगा, वो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। ये हमारे घर है, ये देखिए, ये सारी छपाई जो ये मैंने की थी, ये जो पीछे दिख रहा है आपको, नीचे ये पूरा मैंने आंगन छापा हुआ था। और ये देखिए तोरई लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसका ही बीज मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था, यहाँ बाजू में रहती है, तो उनके यहाँ पिछली बार हुआ था, पिछली साल, तो ये मैंने ले लिया था, तो इस बार मेरे यहाँ भी हुई है। बाकी की ये जो तोरई रहती है मैंने तोड़ ली थी, ये मुझे दिखाई नहीं दी थी इसलिए मैं नहीं तोड़ पाई, कोई बात नहीं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।